तो प्रभास की आने वाली फिल्म आदिपुरुष बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी होने वाली, जो कि भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड के लेवल तक पहुंचा सकते हैं, या फिर ये प्रभास के करियर के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आदिपुरुष इस फिल्म का बजट 500 करोड़ होने वाला है, और जहां ऑडियंस पहले से ही कह रही है साउथ वालों को कि बॉलीवुड वालों से दूर रहो यार, इनकी संगति में पड़ोगे तो साउथ वालों को भी दाग लग जाएगा। तो मुझे क्यों लग रहा है आदिपुरुष का डर, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका स्टार कास्ट को आप देख लीजिए। तो प्रभास को छोड़ के कृति सनन को एक बार छोड़ भी दो, तो बाकी जो स्टार कास्ट सामने आई है तो उतनी मजबूत नहीं लग रही है। तो आप देख, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए आदिपुरुष जो कि 500 करोड़ के बजट के साथ बनने वाली है, ये प्रभास के करियर की बिगेस्ट मूवी होने वाली है। आप देख लीजिए बाहुबली दो KGF मूवी इसमें बन सकती है, क्योंकि आप देख लीजिए आदिपुरुष इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रखा गया, जहाँ इस फिल्म में KGF चैप्टर 2 और बाहुबली 2 दोनों फिल्म एक साथ बन सकती है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 का बजट भी 250 करोड़ था और बाहुबली 2 का बजट भी 250 करोड़ था। आप देख लीजिए आदिपुरुष इस अकेले की फिल्म में 500 करोड़ का बजट दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि कहीं सारी फिल्म का बोझ प्रभास के कंधों पर आके ना गिर जाए। क्योंकि आप देख लीजिए पूरे स्टार कास्ट में प्रभास ये एक दमदार एक्टर लग रहे हैं, और जो भगवान श्री राम के जो किरदार है उसको न्याय दे सकते हैं, और बाकी जो आप देख लीजिए सैफ अली खान है और बाकी जो स्टार कास्ट है वो उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। और सबसे पहली बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सैफ अली खान को रावण की भूमिका में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो रावण के जो चरित्र है उसको कहीं भी वो समझ ही नहीं सकते उसको, कि वो कैसा चरित्र है और उसने क्या किया था, वो कितना अनुपम चरित्र है उसको वो कभी समझ ही नहीं सकते। और यहाँ तक कि इस फिल्म के स्टार कास्ट को देखते हुए प्रभास के अलावा सभी पर सवाल उठाए जा रहे थे जनता के द्वारा, क्योंकि आप देख लीजिए कृति सनन की जगह भी साउथ में इतने सारे एक्ट्रेस हैं, संस्कारी एक्ट्रेस हैं, जिनका आज पूरे भारतवर्ष में जिनकी चर्चा हो रही है, तो उनको लिया जा सकता था। और यहाँ बॉलीवुड के साथ तो साउथ को कोलाब करना ही नहीं चाहिए, जनता हमेशा से कहती आ रही थी कि साउथ वालों को बॉलीवुड से दूर रहना चाहिए। और तो आदिपुरुष इस फिल्म का सारा बोझ प्रभास के कंधों पर आकर गिरना गिर जाए, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी को उठा के लीजिए, आप बाहुबली 2 को देख लीजिए, आप KGF चैप्टर 2 को देख लीजिए, फिर आप RRR को देख लीजिए, तो ये जो मूवीज़ है इसमें जो साइड कैरेक्टर्स है, जो सपोर्टिंग कास्ट है, इतने भी है जो बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी जो सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पर, इनमें जो सपोर्टिंग कास्ट है वो बहुत तगड़ी होती है, जिसे जो हमें फिल्म के बाद भी याद रह जाती है। तो ऐसे कास्ट होने जरूरी है, ना कि आप लीड कैरेक्टर के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते पूरी फिल्म में। तो यही कारण है कि फिल्म का जो सपोर्टिंग कास्ट है वो कुछ मजबूत नहीं दिख रहा है, इसी कारण से डर लग रहा है कि कहीं आदिपुरुष प्रभास के कंधों पर आकर न गिर जाए और पूरे फिल्म का बोझ प्रभास को ही ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि स्टार कास्ट जो है साइड रोल्स जो है वो बहुत मजबूत होने आवश्यक होते हैं। आदिपुरुष इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है, इसका सबसे बड़े कारण यह है कि जो इस मूवी में जो अवतार का जो टेक्नीशियन है हॉलीवुड के VFX आर्टिस्ट उनको बुलाया गया है, और इस फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा VFX के यूज़ करने वाले हैं, इसी कारण से इस फिल्म का इतना ज़्यादा बजट रखा गया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि यह भी RRR मूवी जैसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो, लेकिन हमें यह भी साइड में सोचना पड़ता है कि हर डायरेक्टर SS राजामौली नहीं होता, हर डायरेक्टर का विज़न जो है SS राजामौली की तरह नहीं होता कि हर सीन परफेक्ट चाहिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रभास की आने वाली मूवी आदिपुरुष एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो और इसका जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में कायम हो, कि आप देख लीजिए जितने भी अभी मूवीज़ आ रही है पूरे भारतीय सिनेमा में, तो वहाँ तक हमें RRR और KGF के बाद उतनी बड़ी मूवी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर हम कार्तिकेय 2 को छोड़ दें तो ऑडियंस के बीच जो अपना जगह बना पाई हो ऐसे कोई मूवी नहीं आ रही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आदिपुरुष एक सफल फिल्म साबित हो जिससे प्रभास अपना कमबैक करे और ये जो फिल्म है वो भारतीय गौरवशाली इतिहास जो है हमारा उसको गर्व से दिखा सके। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।